शर्म को शाम की चौखट पर आइए आ जाइए, ये रात एक हमाम है। आइए आ जाइए, ये रात एक हमाम है। आपकी आंखों में वरना आज तक ले आम है। आपकी आंखों में वरना आज कत्ले आम है। तुम दोनों का क्या होगा? ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। ढूंढने दो। पकड़ दी कहां से ऐसे लोगों? मैं कहां पकड़ती, भरे पड़े हैं। मत कर, मत कर, मैं तुझे बोल रहा हूं ना, मत कर। वो पुलिस वाले को आने दे, मैं तेरा पैसा दे दूंगा। उसने मुझे भी फोन किया, वो बस आता ही होगा। मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा बोल? हाँ, तू मुझे चाचा बोलता है ना? तुम करती क्या? मैं शॉपिंग। अरे शॉपिंग के अलावा पार्टी? शॉपिंग के पैसे कहाँ से आते हैं? कोई ना कोई दे देता है। फोन क्यों नहीं उठा रहा? कौन फोन नहीं उठा रहा? चाचा। तुम्हारा डीलर। जाके तुम गन रखते हो? जरूरत पड़ती है। What do you do? शॉपिंग। अच्छा, दरवाजा खोल। अच्छा, मुझे पता है तू अंदर ही है। अच्छा चाचा, चाचा लाइट नीचे करना। चाचा बाहर गया है वो, आ रहे। तू कौन है? मैं तुझे पहले कभी देखा नहीं।
तरफ। सर दाढ़ी निकाल दी आपने? सर पत्थर से सर कुचला है दोनों का, एक ड्रग्स बेचता है, दूसरा बगल में रहता है। पत्थर से? इसी पत्थर से दोनों का सर कुचला है। साहब आपके लिए कोई देखे गया? बोला आपने मंगाया था। हेलो, किससे बात करनी है आपको? सर सर कोई आदमी है, वो कह रहा है कि किड़वाई नगर के मर्डर केस के बारे में सिर्फ आप ही से बात करेंगे। हेलो, राघवन साहब बोल रहे हैं क्या? हाँ बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ सर? काट दिए। कौन देखे गया था? कोई नया आदमी था, देखे गया जानता नहीं।
हेलो सर, एक आदमी है नाम सिंधी दलवाई बोलता है, पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा था, पहले भी देखा है मैंने। उसने अंदर आके कामले के पास सरेंडर किया, बोला पिछले 2.5 साल में जो 9 मर्डर हुआ है वो उसने किया, बाकी कुछ नहीं बोल रहा सर, कह रहा जो भी कहेगा आपके सामने बोलेगा। तो पोर्ट्रेस वाले सेफ हाउस पे ले आओ उसको, मैं कमिश्नर साहब को भी लेके आता हूँ। ठीक है। अच्छा खासा सो रहा था मैं अपने कोने में, वो हवलदार लाठी मार के भगा दी मेरे को। 30 रुपया फिक्स है उधर सोने का, अब उनके पास नहीं तो जाना पड़ा। फिर सोचा स्टेशन चले जाते हैं, लास्ट ट्रेन पकड़ लूँगा, उसी में सो जाऊँगा जाके यार्ड में, पहले भी करता था मैं। अचानक से बारिश हो गई साले, उधर ही टिन का टपरा था किसी दुकान का, वहीं जाके डूब गया। अभी बारिश इतना देर में खत्म हुआ तो ट्रेन तो किधर मिलता मेरे को। एक सिगरेट मिल जाता तो सिंधी दलवाई तेरा असली नाम है? हाँ साहब, अब तो यही नाम है मेरे, अपन खुद ही चूज किया ये। वो रमन राघव था ना, वो जो कितना लोगों को मारा, उसका असली नाम भी सिंधी दलवाई था, तभी अपन ने रखा है ना। पता नहीं आपको, वो जो घिसरे में अपना चाचा रहता है ना, उसको सब पता है उसका स्टोरी के बारे में। तुझे कितना पता है उसके बारे में? उसके पास वायरलेस था, रेडियो, जिसको दुनिया बोलता था, इससे वो भगवान से बातें करता था, भगवान जिसको बोलता था उसको मार देता था। नंबर एक का दूत था वो, यमराज का साहब। मैंने तुझे पहले देखा है कहीं? अपन तो आपको रोज देखता है साहब, कभी टीवी पे, कभी अखबार में, बाहर बैठता ना तो रोज आते जाते देखता ना आपको, बराबर देखता आपको, आपके अंदर भी है साहब। क्या लाइसेंस? आप जब चाहे किसी को भी मार सकते हैं, वर्दी है ना आपके पास। पुलिस का काम है भगवान की गलती को दूर करना, अपन भी तो वही करता है, तो इस मामले में तो हम सेम टू सेम हुए, यमराज का दूत मतलब। पर सरकार आपको खाने को देती है, रहने को देती है, और मैं बराबर देखता है आपको। अपुन को लगता है अपुन आपको आपसे ज्यादा पहचानते हैं। कभी पुलिस स्टेशन फोन किया तूने? कौन मैं? 2 साल पहले मैंने नहीं किया। किसी राघवन नाम के पुलिस ऑफिसर को? उनके पास तो फोन ही नहीं है ना पुलिस स्टेशन का ना अपने पास, होता तो बाहर काई को बैठता फोन करता। पैकेट छोड़ दें। तो बारिश खत्म होने के बाद अपन चल पड़ा। अपन तो क्या ना साहब, पैदा ही निशाचर हुआ है। उनका बाप अपन को लोमड़ी बोलता था, बोलता रात में मेरा आंख चमकने लगते हैं। सब रात में क्या है ना, ये गाड़ी वाला लोग शराब पी के गाड़ी चलाता है ना, तो सड़क पे चलना थोड़ा डेंजर होता है, और उनकी आदत है सड़क के किनारे चबूतरे पे चलने का, या बीच में जहाँ वो शतरंज का खेल बिछा होता है ना, ऐसा वो ऐसा ऐसा काला सफ़ेद बारी बारी से होता है। अपन क्या है ना, सिर्फ काले पे चलता है, सफ़ेद पे पैर रखे कि मतलब आउट,
और गिनती करता, उसमें पता ही नहीं चलता टाइम का। तो ऐसे अपन काले से काले पे पैर रख के चलने लगा। उधर वो बीच में सड़क आ गया और अपना काला खत्म, और अपने को तो आउट होने का ही नहीं। तो भगवान ने बचपन से मेरे को ऐसा जादू दिया है, मैं जोर लगा के सोचता है ना ऐसा, तो वैसे ही दिखने लगता। तो सड़क पे काला सफेद बिस्ता चला गया और अपन काले पे चलने लगा। पता नहीं सामने वो किधर से आ गया। मैं उसको बोला कि हट जा यार, वो हटे ही ना, ऊपर से पेला था। मैं उसको बोला देख, वो समझ ही नहीं रहा। मैं पहले उसको प्यार से बोला, फिर मेरे अंदर का जानवर जाग गया साहब। वो मेरे को ऐसे देख रहा था जैसे उसको पता ही नहीं कि अपन कौन है। वो मेरे काले पे खड़ा था। म्युनिसिपैलिटी का लगाया हुआ काला होता तो अलग बात थी, ये काला तो अपन ने बिछाया था इधर से मन से। उसको पता ही नहीं अपन कौन। बोला भाई देख, मैं सिंधी दलवाई है। उसको समझा नहीं, मैं इसको धक्का दी, वो गिर गया। गिरे भी तो उधर मेरे काले पे, मेरे रास्ते पे। अभी मैं तो उधर खड़ा नहीं रह सकता ना, ऊपर से पियला था, गिर के उधर ही सो गया। अभी मेरे समझ में नहीं आया, मेरा दिमाग सटक गया। उधर ही पास में पत्थर पड़ा था, पत्थर उठा के उसको चल गया ऐसे। अभी जब वो मर के भी नहीं हटा तो मैं सोचा क्या करे, तुम इधर आ गया कंप्लेन करने। अभी मैं इधर बैठेला तब बाहर तो अपन को पता चला कि पुलिस अपने को ढूंढ रही है। तो मैं सोचा जाग के बता देता है पुलिस को कि क्यों हुआ, गलतफहमी दूर हो जाएगा सबका। कोई नौजन को मारा, हाँ नौ। पेपर ऊपर में छपा था किस किस को मारा, मेरे को नाम तो याद नहीं है। क्या ना साहब, अपन भगवान से बातें करता है ना, तो बोलो मेरे को आके, रमन्ना तेरे को सोने का जगह नहीं मिलता, इसका मतलब ये नहीं कि तू सबको मारे। जा जा जा, पुलिस को बता जाके, जेल में तेरे को सोने का जगह भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा, और किसी को मारना भी नहीं पड़ेगा। सुबह रेलवे स्टेशन पर जहाँ अखबार छाटा जाता है वहां पूछो इसके बारे में, पहचानते होंगे इसको। तो जब अखबार में खबर आती है सुबह पढ़ता है और आके बैठ जाता है हमारे स्टेशन के बाहर। किसी ने बोला होगा ना, जेल में खाने को सोने को मिलता है। लेकिन सर उसकी स्टोरी क्रॉस चेक तो करनी पड़ेगी ना। अरे क्रॉस चेक भाई, उसके हिसाब से उसने सबको सड़क पे मारा है, ठीक है। सड़क पे बॉडीज कितनी मिली हमको? दो। बाकी सात कहाँ मिली है? स्लम्स में। हाँ, तो जो मार रहा है ना वो बच जाएगा इसके चक्कर में। टाइम वेस्ट मत करो इसके पीछे, कमरे में लेके जाओ और मारो साले को। पीने को एक बूंद पानी नहीं देना, खाना नहीं देना, सोने मत देना, अपने आप सच बोलेगा। सालों को लगता होटल खोल के रखा है जेल में। सर कहाँ से पकड़ के लाए इस जोकर को? सर खुद ही आया था सर, मतलब मर्डर के बारे में पढ़ के। मैंने इसको कई बार थाने के बाहर देखा है। भूख लगी है, खाएगा? चल। मेरे को पहले पता होता है इधर कोई नहीं रहता। हाँ। तो अपन इधर ही आके सो। अच्छा, अच्छी जगह है ना। तो मेरे को ये बता, कितना खून किया तू? नौ किया, नौ। नौ मर्डर किया? नौ जन को मारा। एक दो नहीं, नौ मर्डर किए? हाँ, नौ। चलो आ जा। हाँ, चल। सच बोल, कितना मर्डर किया? नौ किया। कितना किया? बस
अच्छा खासा काम कर रहा था मैं। तीन लोग आए, बोले खाना खाना है क्या? ना भूख लगी थी मेरे को, यहां लेके आए। इतना मारा मुझे गला घोट घोट के मारा। तीन दिन तक मार, ना खाने को दिया ना पीने को दिया, गला सूख रहा था। एक सिगरेट है मेरे पास, चलाने के लिए माचिस नहीं है। अरे कोई है? अरे भगवान से डरो, जिंदा आदमी को यहां बंद कर दिया। अरे कोई है? और गुंगा दादा हो गया क्या सब? और निकालो, निकालो मुझे यहां से, निकालो मुझे यहां से। और कोई है क्या? इतने भाई मैं इधर यहां बंद किया मेरे को। अच्छा खासा काम कर रहे तुम। तीन लोग आए, बोले खाना खाना है क्या? यहां लेके आए और मेरे को इतना मारा मेरे को। तीन दिन से ना तो खाने को दिया, मेरा गला सूख रहा है। एक सिगरेट है मेरे पास, जलाने को माचिस नहीं है।
क्या चाहिए? ये मेरे को इसमें से एक मांगता है, एक मिल सकता है? ये तो इतना सारा पड़ा है यहाँ। पैसा है तुम्हारे पास? नहीं, लेकिन इतना सारा पड़ा है यहाँ। मुफ्त में चाहिए तुमको हैं? पीछे दे का चलेगा एकदम फोकट में? इतना बच्चा है, कितना बड़ा हो गया? डरता मुझसे? अपने मामा से डरता है? उसको बताया नहीं इसका मामा है? मैं इधर इधर अभी ना, मैं दो मिनट में अंदर आ रही हूँ। वो अंदर ही है, डरना नहीं है कुछ नहीं। अंदर नहीं आ सकता वो? ऐसा कर देख, कितना मारा मेरे को लोगों ने। चार दिन से कुछ नहीं खाया, वो इतनी दूर से चल के आ रहे हैं। चल इधर बैठ, घर के अंदर नहीं आएगा, अंदर से खाना यहाँ ला के दूंगी, बैठ इधर। चल अब भीगनी चाहिए मेरे को। बहन के घर आया क्या? मेरे को भूख लगी है और तू कुत्ते की तरह दुत्कार रही मेरे को। तेरा तमाशा नहीं चलेगा, धीरे से बोल। अब मेरे को मालूम है तू रहती है यहाँ पे। तमाशा मत कर। कभी आया तेरे पास पहले? कभी आया तेरे पास? नहीं आया ना। 7 साल में कभी आया? अभी आया तो कुछ होएगा तो आया ना। क्यों? मेरे को कुछ खिला दे। देख हाथ मुंह धो के साफ कपड़ा पहन के चला जाए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए नौकरी में। पता किसने दिया तेरे को? बहुत पाप हुआ है मेरे से, उसकी सजा मिल रही है मेरे को। 2 साल से तेरा भाई चूहा मार के खाता है। पैंट अपनी ही पहनना, उनकी आएगी नहीं। था बिट्टू का लिया तूने ब्रश? मांगना था ना, मैं दे दे रही थी। सुन बात सुन, सुनो अभी मेरा पति आया हुआ है, तो मुश्किल से मेरे को ना अच्छा आदमी मिला है, तो तू ना उसके सामने कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। हाँ जोती हूँ, बहुत मुश्किल से मेरे को अच्छी जिंदगी मिली, खराब मत कर। खराब मत नहीं करेगा ना? नहीं करेगा ना? हाँ
अरे लक्ष्मी जी। ये तुम्हारे भाई बहन होंगे जी। और ये तुम्हारी फैमिली। भाई बाहर देश में श्रीलंका में और बहन शादी करके दुबई में। वाह वाह क्या बात है क्या बात। कहीं भी चले जाओ घर वाले कभी नहीं भूलते, लेकिन तेरी बीबी भूल गई मेरा। मेरा तो एक भी फोटो नहीं है। एक फोटो है आपका, इसने दिखाया था, अंदर कहीं पड़ा है। तू चावल खाएगा या रोटी? जो भी रखा है फिर इतना। मैं तो ठंडा भी खा लेगा। जितना तू प्यार करता अपने भाई बहनों को, ये नहीं करते मेरे को। मेरा फोटो कहीं पड़ा है पता? प्यार करने लायक किया क्या है आपने? मतलब काफी कुछ बताया आपके बारे में। पुरानी बात है छोड़िए, आप खाना खाइए ना। खाना नहीं नहीं बोल ना जो बोल रहा है। नहीं खाना तेरे को लगता है से मेरे को खाना हजम हो जाएगा? जितरो बेटा, क्या पता खाने में जहर मिला दिया तुम लोगों ने। तो तेरे को अपने हाथ से खाना खिलाता। ठीक है जाने दे। नहीं आएगा अभी। बोल क्या बताया इसने मेरे बारे में? मैं कुछ नहीं बोली। मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कुछ नहीं बोला तो फिर काय को बोल रहा था कि काफी कुछ बताया मेरे बारे में? बोल नहीं तो सर का फटा तरबूज बना देगा। बताया कि आप इनको बचपन में बहुत मारते थे। मैं मारता था? बस इतना ही बताया? फिर तो कुछ भी नहीं बताया। और तू मेरे से बड़ा है, मैं तेरे को तू बोलता है, और तू अपने से छोटे को, अपने साले को आप बोल रहा है। इतनी तमीज दिखाएगा तो बुखार हो जाएगी।
है तेरा बच्चा, लाट साहब की तरह पाला है। माँ स्कूल छोड़ने जाती है, लेके आती है। तेरी माँ को तो कोई स्कूल छोड़ने नहीं जाता था, अपन के पीछे पीछे भागती रहती थी तेरी माँ। तेरे को पता तेरे मामा है मैं? तेरे को पक्का पता है ना तेरा ही बच्चा ये? मेरी बहन का कोई ठिकाना नहीं, किसी का भी हो सकता है। अंग्रेज की थी तभी से पेटीकोट खुल गया था इसका। डर गया? चिंता मत कर, अपन सर्टिफिकेट देता तेरा ही है। चुप रहना। जल्दी आना। बताया कि तू सेट का काम करती थी इसकी पत्नी के मरने से पहले? उल्टी करते करते मरी या मारा उसे? बोलना, बहुत बोलता है। मर दिया तू, मर गया तू, इसकी चिंता छोड़ के अपनी करेगी, इसकी करेगी, उन किसकी करेगी? पूछ रहा है मैं तेरे से, क्योंकि मैं इसको खोला और उसने मुंह खोला तो इसको चेक लगा के इसकी गाड़ी उठानी पड़ेगी मेरे को। बोल ना, इसकी बीवी बीमारी से मरी थी या तूने मारा था? बता ना। अच्छा, तुम दोनों का लफड़ा चालू हो गया था क्या इसकी बीवी के मरने से पहले? बोल ना। देख क्या बोल रही है, तुम दोनों का लफड़ा चालू हो गया था तेरी पत्नी के मरने से पहले? अच्छा, एक बात बता, तुम लोग करते कैसे थे? तू तो बाहर काम पे जाता था, तेरी भी घर में रहती थी, मिलते कैसे थे तुम लोग? अपने मन के बारे में मैं जानता है। नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं जानते अपनी बहन को। पैसा कितना है तेरे घर में? कितना पैसा है तेरे घर में? इतना चाहिए था। कितना है? तेरे को कितना चाहिए बता। 10 लाख चाहिए मेरे को। है तेरे पास? तो साफ साफ बोलना कितना है। है नहीं, ज्यादा है नहीं, 1000-1200 होगा। ले क्या तुझे चाहिए? क्या इज्जत जो तेरी बीवी देती नहीं और तेरी आंख में है नहीं? और कितनी जल्दी आपसे तू पे आ गया? तू गलती हो गई तुझे पहचानने में। हाँ, जैसे पहचानता तो बड़ी इज्जत देता मेरे को। अपनी बहन को खुद तैयार किया था मैंने तेरे लिए, तेरे मिलने से कई साल पहले। थैंक यू बोल, बच्चा नहीं छोड़ा मैंने उसके अंदर। अपनी शक्ल देख, तेरे को जो बोलता हूँ तुरंत मान लेता है। ये सब पूरे चिकन धो दिया मैंने, कढ़ाई पे चढ़ा दे, पूरे 1200 हैं। किन के रखती है? तेरी पॉकेट में कितना है? 1 बड़ा पैसा है तेरे पास तो। मैं देखता। साहब अंडा पाव चाहिए ना? दीदी नहीं है?
मर गई दीदी तो। दीदी मर गई? तेरे को भी मरने का? मरने का नहीं, नहीं सर, बाद में आता। ए, लाल मिर्च किधर है खड़ी? इधर है। हाँ तो देना। ये निकाल के देना। हाँ? निकाल के दे। इससे क्या करेगा तू? कान में लगाएगा। जो बोल तो करती का ही क्यों नहीं तू? दे। सोना कितने तेरे पास? कुछ नहीं बचा मेरा। मंगलसूत्र नहीं है वो, गिरवी हो। क्यों, ये कमाता नहीं गया? तेरे को क्या करना है? खाना खा के चला रहना है, ऐसे थोड़ी क्या करना है। वो कितना कमाता है? आटर मत दे मेरे को, खाना बनने में टाइम लगता है। क्या कर रही है मेरे को? तब तक मैं क्या करेगा यहाँ पे? करने को क्या है यहाँ? ठीक है, इसकी शक्ल देखेगा जो देखने लायक बची थी वो करना है, और इसकी लाट साहब की नफरत है मेरे को करना है। क्या, बहुत दिन से किया नहीं। अच्छा, इसकी शक्ल इससे तो मिलती नहीं, करना है क्या? चल, और तेरे से भी नहीं मिलता तो फटाफट कर ले, फटाफट कर ले, फटाफट यहाँ से निकल। चल यहाँ पे कर, चल चल चल, ये ले चल, यहाँ से शुरू कर, शुरू क्या क्या शुरू क्या क्या शुरू कर। उधर क्या देख रहे हैं हम दोनों? चल रहा है यहाँ पे, दबा मार, चल मार। किस्मत में है हारी शर्तें, जिसकी
तेरे मम्मी पापा को मिला के कोई 11 लोगों को भेज चुका है मैं यमराज के पास। पूरा हिसाब लिखते हैं। तेरी माँ मतलब मेरी बहन खल्लास, तेरा बाप पता नहीं तेरा बाप था कि नहीं खल्लास, तू क्या नाम है तेरा पॉकेट, छोटा है ना तो पॉकेट, कोई पूछेगा काहे को मारा तुझे तो मैं बोलेगा अपने तो पॉकेट मारो बस। नहीं, ये पुलिस वाला एकदम अकल से खा लिया सब। अपने पता क्या किया, पहले मारा किसी को, फिर इंतजार किया कि लाश कब मिलेगा पुलिस को। जब खबर आया पेपर में तो स्टेशन के बाहर जाके बैठ गया। पुलिस वाला है, पूछा तूने मारा, हमने हाँ तो चल, मैंने चलो, फिर उन्होंने सोचा तो पागल है, भगा दिया मेरे को। अब अपन किसी को भी बोले वांटेड लिस्ट में अपन का नाम नहीं होगा, है क्या? नहीं आदमी, उसकी दूसरी बीवी और छोटा बच्चा। विक्टिम जो है वो साइंस स्टेशन के पास उसकी जेरॉक्स की दुकान है। 5 दिन हो गए वो मरे हुए, 5 दिन से दरवाजा बंद है, किसी ने किसी को अंदर बाहर आते जाते नहीं देखा। अब आ रही सब लोग।
पूरा पागल। यस सर। नहीं सर, हमने उसे कमरे में बंद किया था, ताला भी मारा था। अब कामले ने बाद में जाके चेक किया तो ताला टूटा हुआ था। तो अभी वो कहाँ है वो हमें नहीं पता। बाकी जितने मर्डर्स हुए हैं वो या तो स्लम्स में हुए या फिर सड़क पे हुए। सर ये वाला मर्डर एक लो इनकम हाउसिंग सोसाइटी में हुआ है। विक्टिम की एक पुरानी फैमिली फोटो मिली है जिसमें ये भी था। एक विटनेस मिला है हमें जो बिल्डिंग में आता है, वो बेकरी का सामान बेचता है। उसने कहा है जिस बंदे ने दरवाजा खोला था उस बंदे की शक्ल पे एक निशान था। हाँ सर, वही स्कार। तो इस औरत में ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा। लगे रहो, भगवान का सीसीटीवी कैमरा हूं मैं। प्रेग्नेंट हो गई? तीन अबॉर्शंस के बाद कोई प्रेग्नेंट नहीं होता। ये किसने बोला तुम्हें? मुझे पता है। अगर हो गई तो तुम्हारी मर्जी है। बच्चा चाहिए होगा रख लेना, नहीं चाहिए होगा मार देना हरामजादे को। तुम प्रोटेक्शन यूज नहीं करोगे? शादी करोगे? हुआ क्या है? हाथ में था मेरे ये। कौन? ये जिसने अपनी बहन, उसके पति और एक बच्चे को मारा है। 6 साल का बच्चा था। तूने भी तो 3 बच्चे मारे मेरे। तुझे डर नहीं लगता मुझसे? क्यों? क्योंकि सोता नहीं हूं, कुछ भी डालता हूं मुंह में, नाक में, नसों में। लोडेड बंदूक रहती है मेरे पास। किसी दिन दिमाग खराब हो गया ना, कुछ भी कर सकता हूं। जब तू पहली बार मुझसे मिली थी तो क्या बोला था तूने, याद है? क्या बोला था? मैंने बोला था मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने बोला था मुझे शादी भी नहीं करनी। बोला था कि नहीं बोला था? तो तूने क्या बोला था? क्या बोला था? इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? बच्चे थोड़ी ना है। प्यार करने का मतलब शादी करना थोड़ी ना होता है। बोला था कि नहीं बोला था? तुझे बच्चा चाहिए तू रख, मुझे नहीं चाहिए, समझी? और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तू अबॉर्शन नहीं करेगी ना? नहीं करेगी ना तू अबॉर्शन? तो मैं ना ये बेबी को ऐसे पकड़ूंगा, लोड करूंगा और इसको ना अंदर डाल के। हेलो अम्मा। हाँ चप्पू। नानक फोन हो? नाना ఎందుకంటే మీ మొండితనం మీరు మానుకోరు, నన్ను అనాథం చేయాలని డిసైడ్ అయిపోయారు కదా. నానా వేర్ నీ క్వశ్చన్ అండి.
ఇంకోసారి నువ్వు ముట్టుకున్నా జన్మలో మనం చూడు నా నుంచి వినవు కూడా అంతే ప్రామిస్ అయితే ఊరికి ఐ లవ్ యూ అనడం కాదు మీన్ ఇట్ సార్ సార్ బాయ్ ఏమంటున్నా క్యా బోల్ రహా థా गन कर देगा क्या तुझे बहुत खतरनाक डेथ विश है। हो सकता है डेथ विश ना हो के उस समय मैं तुझे मारना चाहती हूँ। तू इतनी सेक्सी क्यों है? क्योंकि तू इतना फुद्दू है। गाड़े ठोक दूंगी बहन चोद तेरा हाथ संभाल के रख। हेलो इडली नहीं खाना है मुझे। क्या हमेशा बोलता ना पुलिस वाले को बहुत खिलाता हूँ, पुलिस वाले नहीं खिलाते। नसीब वाला है, लोगों को मिलता नहीं है, तेरे को मिल रहा है। अच्छा बोले बोल साहब। रमना नाम है उसका। कभी अपने आप को रमन बोलता है, कभी राम और कभी रावण बोलता है। पार्टनर ढूंढ रहा हूँ। मैंने पूछा पार्टनर तो बोला रमन अकेला क्या करेगा, राघव नहीं मिला उसको तो। रमन ना उसका असली नाम है। मेरे खाते में रमन लिखा है साहब। मैं तो यहाँ पड़ोस में छोटा सा होटल चलाता हूँ और लेन देन का काम करता हूँ साहब। जिन लोगों को बैंक लोन नहीं देता ना, उनको लोन देता हूँ साहब। कसम से लोन देता हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता। ये दोनों मुझे काम से इडली खिला रहे साहब। ये बहन तो इडली खिला के मेरे। आखिरी बार कब देखा था उसको? दो हफ्ता पहले आया था मुझे पहली बार मिलने के लिए। उसके बाद ना कि फोन है ना कि पता। जब वो पहले वो मेरे पास आया तो बहुत सारा सोना गिरवी रखने के लिए लाया था। मैंने सोना गिरवी रख लिया और कुछ पैसे दे दिए। उसको हिसाब किताब भी नहीं आता तो मेरा कुछ फायदा हो जाता है साहब। अगर मुझे पता होता कि वो वांटेड है तो मैं खुद आपको फोन कर देता। क्या क्या पता है इसको? बोलना। इन्होंने बताया कि उसने किसी को मारा है। सर ये बताओ, जिसको उसने मारा है वो मर गया क्या? उसने कभी बताया उसे राघव कैसे मिलेगा? पिछले बार आया तो बोला कि मिल तो गया है, लेकिन उस राघव को नहीं पता कि वो अपन का राघव है। खुद इतना क्लीन आदमी हूँ सर। मैं किसी भी क्रिमिनल और वांटेड लोगों से बहुत दूर रहता हूँ सर। मुझे माफ कर सर, फोटो देख के पहचाना है इसे। मैंने पूछा तो फिर इसने बताई वो रमन रावण और राघव वाली बात। सोचा आपको बता दूं। क्या रमन को राघव चाहिए और राघव को रमन? इसी पी साहब। हेलो, thank you.
एक चाय बना दे भाई। गांडू है क्या? ये झुमका क्यों पहन के रखा? सुंदर नहीं दिखता? शौकिया देता है, पैसे लेके देता है। तुझे कैसे चाहिए? पूरा का पूरा अंदर चाहिए या सर पे तू चलेगा? हंस मत ज्यादा, जब पढ़ेगा ना तो सारा खीखी भूल जाएगा। अखबार नहीं पढ़ता? पढ़। एक ही परिवार के तीन जनों की हत्या, मेरी बहन थी, तेरी तरह खीखी कर रही थी, पूरा का पूरा अंदर दे के घुसेड़ दिया। उसी का झुमका है ये। अब भी तेरे को पता नहीं मैं कौन है तो बताता है चल। शौक से देता है पैसे लेके। दीदी मैंने खाना रख दिया है फ्रिज में, मैं जाऊं? कल सुबह 7 बजे आ जाऊंगी। अच्छा दीदी, साहब की होम्योपैथी वाली दवा है ना, वो पैकेट बाथरूम में पड़ी थी, मैंने इस ड्रॉ में रख दी है। ठीक है? ठीक है, तू जा। मैं चाबी लेके जा रही हूँ। Thank you.
हाँ वो मैं समझ गया, आप क्या बोल रहे हो, आप बाजार से सब्जी लेके आए, आप दरवाजे पे खड़े थे है ना, तो आपने उस आदमी को अंदर देखा, आपके पोते के साथ बैठा था ना, सुला रहा था, दूध पिला रहा था है ना, तो तभी शक्ल देखा रहेगा आपने है ना, तो वो शक्ल ऐसा था क्या? नहीं, ये आदमी नहीं था, ये नहीं था, एक बार ध्यान से देखो, ये आदमी नहीं था। इस पे अगर ऐसा निशान बनाएंगे ना आग के ऊपर, तो इतना लंबा ऐसा दाग था, निशान था, नहीं था, ये आदमी नहीं था। मतलब कौन था फिर, क्या था? ठीक है, उसको फंसा कर रखना, हमारे मैं एक बार बोल दो, ये आदमी था नहीं था, ये आदमी नहीं था। सर मिल गया सर। ब्याज तो देना पड़ेगा, और तुमने जो पहले सोना दिया था उसके तो तुमने ले लिया। 19 तारीख को मैं अपने डायरी में हिसाब लिखा है, 500 लिया, और 24 का जून में 15, तो मेरा 500 और 15 25 हुआ, 600 तेरे पास है, वो ब्याज समझ ले, 2000 मेरे को दे दे। फिर जमाने की बात कर रहे हैं, 15 और 5 2000, यानी 2000, 20000 नहीं, 2000 तो मेरे को मांगता है। हाँ तो ब्याज तो लगेगा ना। कैसे लगेगा? देख मैं तेरे से पहले 15 लिया, पहले 5 लिया, हाँ पहले 5 लिया, फिर 15 लिया। हाँ तो 15 और 5 कितना हुआ? 15 और 5 20। अरे यार एक सेकंड, ये देखो ये कितना है? 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 और ये 5 20 20 100 2000। कैसे? देख 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हुआ ना, 20 हो, 2000 ना, 2000 तो बोल रहा हूँ मैं, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2000। हाँ तो लिख, 2000 मेरे को तो 2000 मांगते। अच्छा 2000 भी तू रख, मेरे को चश्मा दे दे, 2000 तू रख। तुझे तेरा राघव मिल गया क्या? हाँ राघव मिला था, मेरी बहुत खातिरदारी की। क्या आजकल दिखता नहीं पुलिस चौकी के बाहर? क्यों, कोई मर गया क्या? मरा नहीं, चाय पीनी थी तेरे से, चल चाय पिलाता हूँ, चल चल।
आ रहा मैं। मैं इधर देखता हूँ, तू उधर जा। ठीक है। क्या हो रहा है? पुलिस घर को आई है। अंकल पुलिस वाला गया। सब माथे पे एक निशान वाले आदमी को देखा है। वो ना हर महीने बॉम्बे आते हैं, हर महीने। मैं अपना कम कुम छोड़ छाड़ के ना हर महीने उनको दर्शन देने नहीं जा सकता। माँ ये माते मेरी है, मेरी गलता सुन ला। बच्चा नहीं हूं मैं, अभी 30 साल का हो गया हूं। हाँ तो नहीं करनी ना शादी, नहीं बनाना परिवार। नहीं अच्छा है कोई पकड़ ले, सस्पेंड कर दे, जेल में डाल दे। इसमें बदनामी ना मेरी नहीं होगी, पापा की होगी। ठीक है माँ, 1500 बार बोल चुका मुझे कसमें ना खिलाया करो। अच्छा ठीक है, कसम मैं चला जाऊंगा। ठीक है बस। अच्छा सुनो, हेलो माँ सुनो, मेरी एक जानने वाली है जिसके घर पे जो काम करती है ना, उसको किसी ने मार दिया। बहुत बड़ा केस है, टाइम मिलेगा चला जाऊंगा, नहीं मिलेगा नहीं जाऊंगा। ठीक है? हाँ ठीक। हाँ घुटनों का ध्यान रखो। सर नहीं मिला सर, बस भूल भुलैया में कैसे ढूंढे उसको सर? मेरी घर की चाबी थी अनीता के पास। फोरेंसिक को बोलो कोई चाबी मिले तो बताए। सिंगल की, मैं जानने वाली हूँ। मतलब फोन पे बोल रही थी ना अपनी माँ से, जानने वाली के घर पे। तो क्या बोलता? सच बोल रही थी। क्या सच बोलता? जिसके साथ सोता हूँ उसके? नींद तो मैं किसी के साथ नहीं आती, मैंने तो कभी सोते हुए नहीं देखा। तू ना ज्यादा, तू ना अभी डिसाइड कर ले, तुझे अपने काम वाली के मरने का मातम मनाना है, फिर ये सड़ा हुआ सार्कैज़म लेके मेरे साथ लड़ना है। तू कोई मेरी स्टडी गर्लफ्रेंड है? नहीं, वो जो फोन पे थी ना वो मेरी एक्सक्लूसिव माँ है और मैं उसका एक्सक्लूसिव बेटा, और उसके लिए तू एक जानने वाली है बस। यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? I think you have a problem with that. No, no. Madam, go gaadi tak chhod ke aao. Namaskar. Sir. Ramanak. Sir. जो मेरे पास रह गया था उसमें से ये डायरी मिली है सर। पिछले 2.5 साल से सारे मरने वालों की डिटेल इसमें है सर। उसने वो मर्डर क्यों किए, कब किए, वो सब की डिटेल है इसमें।
उसके भूत को बोलना कि 15 और 5 20 होते हैं, 2 नहीं। वायलेट है, अनबिला का बेटी है, आपको नहीं पहचानना? वो मेरा दोस्त जो कभी बसंत बार पे टिकट काउंटर में, आजकल किधर हो ना आप? तू किधर है? पन तो दिन पे यहाँ पे, रात को सिक्योरिटी का काम कर रहा है माल पे, सबको वो माल पे काम करना है, सारे बच्चा लोग, सबको दिखाया था अंगाड़ी तरफ बसंत बालन का पिक्चर, क्या है तो सबको डराने के लिए, ये भी बोला था एक दिन वो सर फोड़ने वाला आ जाएगा, आपको याद है? एक दिन आप कुत्ते के सर पोड़ा था, क्या बोलता था? रामन तेरा रागों को थोड़ा दूर रख। अच्छा सुन, मैं तेरे पास आया था दूसरे काम के वास्ते, बोल। मेरे को एक लोहे का आंकड़ा मांगता है, राड। हाँ। उधर दही सर में मैं खोल ही लिया है ना। अच्छा, तो वो बनाने के वास्ते तोड़ने के लिए। बनवाने गए, मेरे को यहाँ से इतना मोड़ के यहाँ चोट चाहिए मेरे को यहाँ। हाँ कितना लेगा? 40 रुपया होएगा। 40 ये ले, अभी बना के दे मेरे को। अभी तो नहीं होएगा, अभी खाना खाने का टाइम हो गया। अभी नहीं, मेरे को जल्दी मांगता है वो, मेरा ठेकेदार बोला है कि 1 घंटे में मांगता है, नहीं तो नौकरी। खाना खाने का टाइम हो गया, अभी बंद कर दिया सब सामान। अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ, तू खाना खा के मैं वेट करता है। हाँ वेट करो आप। हाँ हो गया हमारा, मेरे को अभी मांगता है, बना के दे मेरे को। खराब कर दोगे? हाँ तो बना के दे, फालतू तो हाथ बना लेंगे। बैठो 5 मिनट ले लो, बैठो अभी बना के दे मेरे को। फालतू टाइम नहीं है, फालतू टाइम होता लोहार बन जाता मैं। साइड पर तुम लोग जाओ, मैं टैक्सी कर लूंगा। जी सर। मुझे याद है आपने बोला था पहला मंडे और लास्ट का मंडे, तो वो महीने में 5 मंडे आ रहे, तो मैं पर वैसे 4 होते थे ना, तो 4 होते। वो महीने में गड़बड़ हो गया था, मैंने सोचा आपने बोला पहला लास्ट, वो 5वां मंडे। वहां आओ, पहुंचो सब। वेरी प्राउड ऑफ यू। याद है ये यूपीएससी की ट्रेनिंग इन्हीं के यहाँ से ली थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं ये। आशीर्वाद लो स्वामी जी से। खुश रहो बेटा, आओ बैठो। आओ बैठो।
ये चश्मा क्या मैंने रखा? स्टाइल मार रहे हो क्या? उतारो इसको, उतारो। हेलो, क्या वो आँख खराब है क्या? नहीं है? क्या सोया? नहीं सोए? नहीं। अरे उबे साहब, इस बंबई शहर में सोता कौन है? वो भी पुलिस वाले? हेलो, सोते क्यों नहीं आजकल? इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ। रुको, नींद कैसे आएगी? जाओ बैठो, वहां बात करता हूँ मैं तुमसे थोड़ी देर में। जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। बहुत समझाया मैंने इसको, पुलिस वाला है, खुद नशा करता है। एक दिन पकड़ा गया ना तो आपको अंदाजा भी नहीं है क्या होगा। सस्पेंड करेंगे, जेल में डाल देंगे, बेइज्जती होगी, मीडिया का तो पता ही आजकल क्या करता है। बचपन में मैंने इसको एक बार वो गांजा भी तो पकड़ा था, मैंने इतना मारा, इतनी मोटी चमड़े की बेल्ट से मार मार के मैंने लाल कर दिया इसको। हाथ नहीं लगाया उसको, इसके बाद नाक के अंदर सफेद पाउडर की पपड़ी जमी है। करा दिया तबादला तेरा अपने कोल वापस, प्यो पुत्र बह के ड्रग्स करांगे। भूल भूल इसको इंग्लिश समझ नहीं आती क्या? नो। इसको बोल गन नीचे कर, नहीं तो मेरा टीम जो बाहर बैठा है ना, इसको कमरे में ले जाकर इतना मारेगी कि 480 भाषाएं जितनी भारत में बोली जाती है सब बोलने लगेगा। बोल इसको।
पासपोर्ट है ना तेरे पास? हाँ है। पासपोर्ट ले, सामान बांध और निकल यहाँ से। ये अच्छा नहीं था, उसका क्या गलती था? तेरे को बताऊँ अच्छा क्या होता? हमारे देश में आके गंदगी मचाता और फिर मुझे संदेह। जितना माल जी होता है लेके जाता है, मार दिया। आगे जाना आपको? मैंने सामान रख दिया आपके लिए। मैं कर लूंगी बस। डोंट वरी मैडम, मैं इधर ही रहता है, मैं लेके चलता है ना। बस हो गया, मैं कर लूंगी। डोंट वरी बोलना ना। पता है मैडम, आज दशहरा भी है, मुहर्रम भी है। आज रावण जलेगा और मातम भी मनेगा। इस साल तो गणपति पे बकरीद भी थी। तो लोगों ने इतने पाप कर रखे ना, सब एकदम अपने अपने धर्म के पीछे छुप गए। मतलब भगवान को सड़क पे लाके खड़ा करते, बताओ। चारों तरफ धर्म का मेला सा लगा हुआ है, ये दिखाने के लिए। देखो भाई, हम गिनती में कितने हैं, और हमारे जैसे लोग, भगवान के बच्चे जो भगवान से बात करते। आप करते हैं भगवान से बात? करते हैं क्या? मैं करता है। उनके लिए तो मिलन का साल है 2015। ओके। कितना सारा था आसमां, जिस पे हमने था सब तरा। पैर बादल पे था आया रास्ता।
से भी वास्ता, धूप थे हम ही थे साया, धुआं ऐसा उठा तारों से टूट के गिरा, कुआं ऐसा बना रस्सी से छूट के गिरा, रास्ता पानी का था जो रास्ता, उड़ गया बन के भाप सा मेरा धुंधला हुआ साया, ख्वाब सा रात ने मेरा दिल खाया, धुआं ऐसा उठा तारों से टूट के गिरा, कुआं ऐसा बना रस्सी से छूट के, चल चल के मुड़ना और डर डर के उड़ना हुआ क्यों हुआ, बच बच के चलना कहना कोई सच ना हुआ क्यों हुआ। उम्मीद जो है वो भी बरकरार है क्योंकि तस्वीर है बदलती हुई तो दिखाई पड़ रही है। हे पीछे नहीं देखना। पिया महिला हो जाएंगी
तो क्या लगता है कि महिलाओं की जो ये मांगे इतने दिनों से लंबित पड़ी हुई हैं और जो परेशानियां हैं उनको कम से कम एक आवाज मिल पाएगी? नहीं, आसरा तो जरूर बन रहा है कि जरूर कुछ न कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो जो कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही है वो उस माइंडसेट की वजह से हो रही है या दिमागी सोच की वजह से हो रही है जिसमें कि लगता है कि लड़कियां एक राष्ट्रपति को तो नहीं मार रहे हैं अगर कन्या की हत्या कर रहे हैं, कहीं आप एक बहुत बड़ी टीवी फोड़ दूंगा तेरा, डॉक्टर को तो नहीं मार रहे हैं। तो इस तरह इसको यहाँ क्यों लेके आए? नहीं ला सकता, और भी तो लोग आते हैं इधर। कोई नहीं आता कोई नहीं आता। लिस्ट दूं मैं तुझे कौन कौन आता है, तू किधर किधर जाती है, किस किस की गाड़ी आती है तुझे लेने, कौन से शोज करने जाती है दुबई शेखों के लिए। साली ये मेरा घर है, तू निकल यहां से। तूने मेरे बाप के जैसे बात मत कर मुझसे। ये एमडी कहाँ गए? हाँ मैं क्या पूछ रहा हूँ तुझसे, ये एमडी कहाँ गया? तूने खत्म किया सिम्मी, तूने खत्म किया। देख मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ जितना तू समझती, मैं गांड मार दूंगा तेरी। अपनी गर्लफ्रेंड को उठा निकाल यहाँ से, सब कचरा रखता है ना मेरे घर से, ये भी ले। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुझसे, क्या पूछ रहा हूँ मैं, एमडी कहाँ गया? तू ही जानता मैं क्या रखता हूँ, मैं खोल के देखती भी नहीं। पिछली बार बोला था ना खत्म किया था। वो कितनी बार बोला मुझसे चिल्ला के बात मत किया कर। अंकिता मैं तुझे कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा, चुपचाप अपना फोन बिना बंद किए दरवाजे के नीचे से सरका दे, अपना फोन दरवाजे के नीचे से सरका दे अंकिता। अंकिता फोन सरका, अंकिता दरवाजे के नीचे से फोन सरका अभी। तुझे कुछ नहीं करूंगा अंकिता, लेट जा लेट जा। Give me,
साहब, वो अपन के हाथ से छूटकर नहीं जाता तो आज मैडम जिंदा होती। सब अपन का ही गलती है।
चाय। शक्कर कितना डाला? 2 चम्मच। इलायची डाल। दालचीनी डाला? हाँ, चेक कर रहा था। जाऊं? हाँ। क्या साहब? चलिए सर। वापस आना ही था तो उस दिन भागा क्यों था? सब इनका यहां रहना जरूरी है? पूछे क्या पूछने का? तू बता, तूने क्या बोलना है? मैंने तो पहले भी कबूला था, अब भी कबूलता है। अपुन ने जिंदगी में सब कुछ देखा, बस वो फांसी का फंदा नहीं देखा जो आदमी खुद अपने गले में डालता है। अपुन को बहुत मजा आता है ऐसा मौत देखने में, जब बाप अपने बेटे को देता है, जो माँ अपनी बेटी को देती है, जो आदमी खुद को देता है, क्योंकि उसकी गांड में दम नहीं होता बुरा बनने का। अपन तो बस मुक्ति देता आपके जैसा। तूने स्मृतिका को क्यों मारा? सिम्मी, अपन तो उनको बस देखता था। वो क्या होना साहब के अपन बहुत नशे में था, अपन को एक लड़की चाहिए थी। अब लड़की तो सबको चाहिए होती ना, औरत के चक्कर में रामायण और महाभारत हो गया, रावण जैसा ब्राह्मण विलन हो गया, औरत के चक्कर में उसने पुष्पक विमान बनाया होता। सोचो औरत ना होती तो आज हवाई जहाज ना होता। अपन तो जब भी हवाई जहाज को देखता है ना तो अपने आप से बोलता है, हे रमन्ना, आज फिर उड़ा कोई रावण किसी सीता के साथ, इसको जमीन पर लाने का टाइम हो गया। अपन गिनती करता है एक दिन में कितना हवाई जहाज उड़ता है हमारे ऊपर से, उनको पता ही नहीं चलता। जितने हवाई जहाज उतने ही रावण, उतनी सीता उतने राम। तो यहाँ रामायण की कथा बताने आए? सब इनको बोलो या यहां से चले जाए, बातचीत का रस नहीं समझता आपको, बहुत बोरिंग आदमी है। कल रात क्या हुआ था? तुझे लड़की चाहिए थी, तूने स्मृतिका को मारा। और लड़की मिला मेरे को, 21-22 साल का एकदम कड़क, क्या नाम था उसका, अंकिता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसको लेने के लिए अपन के पास जगह नहीं थी। उसको लेके गया अपन सिम्मी के घर पे, चाबी मेरे पास था। यारा सिम्मी ने दरवाजा खोला, उसको बाजू में हटा के मैं सीधा कमरे में गया उसको लेके, और दरवाजा बंद करके उसके मुंह पे जोर से थप्पड़ मारा। ऐसे अपन ने बहुत नशा किया हुआ था, अपन का खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। तो अंकिता देख के हंसने लगी, मैंने ऐसे ऐसे मुंह लिया उसका, ऐसे बाहर जा। सर, थोड़ी देर के लिए बाहर जा। तुझे चाहिए क्या? कुछ नहीं, अपन तो बस आत्मसमर्पण करने के लिए आया था। क्यों? मेरा मजा मिल गया मेरे को। आपको किस चीज में मजा मिलता है? नशे में? अपने झोले में पूरा पैकेट है पाउडर का, उस सिम्मी के डर में रख छोड़ दिया। तुझे चाहिए क्या?
क्यों कर रहा है ये सब? गेम क्या तेरा, तू आया क्यों यहां? आपकी आंख में आंख डालने, बड़े पुलिस वाले की आंख में आंख डाल के बात करने का मजा जबरदस्त होता है। जब अपन छोटा था तभी रमन राघव का कहानी सुना, क्राइम करने का अपना अलग मजा होता है। हर आदमी किसी न किसी को मारना चाहता है और सबको मौका मिलता है, दंगा फसाद होते हैं ना। कितना लोग भीड़ में अपना भड़ास निकालता, उधर सीरिया में दुनिया भर से लोग चल के जाता है अपने अंदर के जानवर को हवा देने के लिए। अपन तो अकेला नंगा खड़ा होके मरता है, बिना झिझक के, सोचता भी नहीं और बाद में बुरा भी नहीं लगता। आज तक एक आदमी, औरत या बच्चे को अपुन ने गलती से नहीं मारा, ये गारंटी अपुन का। न वर्दी की आड़ में मारा, न धर्म के पीछे छुप के मारा, न इंसानियत का लबादा उड़ के मारा। मारा इसलिए क्योंकि मारना था। जैसे अपुन खाना खाता है, हकता है, वैसे ही मारता है एकदम नेचुरली। स्मृतिका को तूने मारा? तो क्या आपने मारा? मैं सिंधी दिलवायु फ्रमन्ना की जबान है, सिमिकल जाम मेरे ऊपर है। लेकिन फिर भी एक चीज है जो सब कुछ बिगाड़ सकती है, और वो है अंकिता। उस रात क्या हुआ अंकिता को सब कुछ पता है, और अंकिता की किस्मत नहीं कि वो गलती से मरे। जो भी अंकिता को मारेगा उस अंकिता को जान से मारना पड़ेगा, और जान के मारना पड़ेगा। उससे तुझे क्या मिलेगा? संतुष्टि। अपन का कहानी तो खत्म, रमन को उसका राघव मिल गया बस। मैं क्यों? मैं ही क्यों? ये तो ऊपर से लिखवा के लेके आए हम दोनों। इस दुनिया में हर आदमी का कोई ना कोई है जो उसे पूरा करता है। गलती तो आदमी ये करके सोचता है कि उसको पूरा करने वाली कोई औरत होगी। अब पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी थी या आपकी खराब थी, जब अपन ने पहला आदमी मारा तब आप अपन को दिखे थे। चाचा! चाचा है ना, बचपन में मेरा बहुत गांड मारता था और काम कराता था। एक दिन सब पैसे लेके भाग गया, बहुत साल के बाद मिला। अपन ने मार तो दिया उसको, कांड करने के बाद कोई रास्ता ढूंढता उससे पहले आप दिख गए। चाचा बाहर गया है वो, आ रहे। तू कौन है? मैं तुझे पहले कभी देखा नहीं। आपने हथौड़े से अपना निशान मिटाया और साथ में उनका भी। फिर आप चाचा का फोन भी ले गए और अगले दिन खुद ही पुलिस वाले बन के आ गए। सर, गाड़ी निकाल दिया। तभी से पहली नजर में अपन को प्यार हो गया था आपसे। ये आदमी है जो उनको मुक्ति देगा, और आप अपनी मुक्ति औरत में ढूंढ रहे थे। तब से अपन इंतजार कर रहा था। बिना तपस्या के कुछ संपूर्ण नहीं होता, ये सबर ही है
जो आपको आपके जोड़ीदार से मिलाता है, बाकी सबका तो बस आना जाना होता है, टाइम पास। मेरी जिम्मेदारी बाप के ऊपर है, आगे कहानी तो आपका है बस। एक सिगरेट मिलेगा मेरे को? सारे कमरों की तलाशी हो गई है, हम चार स्टूडेंट को थाने लेकर जा रहे हैं। पाबंदी करता हूँ। कौन है? कौन है? इतनी सारी लाइट्स तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहली मर्तबा। कौन है?